सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 की ऑल न्यू यमहा MT-15 के बारे में। तो भाई, आपने बहुत बार सुना होगा कि जो यमहा की MT है, ये गाड़ी आपको 125 सीसी के साथ देखने को मिल जाएगी। तो भाई, आज आपको हम बताने वाले हैं कि यमहा MT-125 आपको कब तक देखने को मिल जाएगी। तो भाई, ये बाइक आपको पता है कि इसमें आपको अभी मिल जाता है 155 सीसी का इंजन, जो कि 6 गियर के साथ आता है और VVA के साथ आता है। भाई, सारी दुनिया जानती है इस बाइक के बारे में। भाई, ये मोहताज नहीं है किसी की पहचान की, लेकिन जो MT-125 है, वो बाइक इंडिया में लगभग 4 साल से कमिंग सून में चल रही है। तो भाई, जो यमहा की MT-125 है, ये बाइक आपको लगभग मिल जाएगी नवंबर दिसंबर के भाई आसपास तक। आपको जो MT है, वो आपको 125 सीसी के साथ मिल जाएगी, और बाइक का जो प्राइस होगा वो आपको लगभग मिलेगा 1.5 लाख रुपए के आसपास तक का ऑन रोड। तो भाई, ये हो गया स्पेक्स कि आपको MT-125 कब तक देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं इस MT-15 के बारे में कि कंपनी ने इस बाइक में क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा एड ऑन कर दी है। तो भाई, जैसा कि आपको पता है कि पहले जो है MT में आपको मिलते थे हैलोजन के इंडिकेटर्स, तो बाइक के जो इंडिकेटर थे वो अब आपको मिल जाते हैं LED के, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं है। तो भाई, ये हो गया चेंज। दूसरा जो अपडेट है वो है बाइक का हजार्ड। तो भाई, इसमें पहले आपको हजार्ड स्विच नहीं मिलती थी, तो कंपनी ने जो है भाई इसमें आपको अब हजार्ड की स्विच भी ऐड ऑन करके दे दी है। बाकी जो है, अगर अपडेट की बात की जाए तो इस वाले भाई कलर में कंपनी ने कोई भी अपडेट कलर को लेके नहीं किया है। अगला जो अपडेट है वो है बाइक का ये लाइट। पहले जो है ये वाली जो लाइट है आपको मिलती थी हैलोजन की, लेकिन जो ये लाइट है नंबर प्लेट की, ये अब आपको मिल जाती है LED की। और अगर बात की जाए और क्या अपडेट किए गए हैं, तो भाई इस वाले कलर में और कोई कलर को लेके अपडेट नहीं है, लेकिन कंपनी ने भाई इसमें टोटल एक नया कलर लॉन्च किया था, जो कि था साइबर ग्रीन कलर का, तो वो कंपनी ने नया ऐड ऑन कर दिया था। बाकी जो पूरी बाइक है A to Z, वो बिल्कुल ही सेम है। एक दो नए सेंसर ऐड ऑन किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं बाइक के फ्रंट से। तो भाई, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कुछ ऐसे फेस मॉन्स्टर टाइप के भाई आपको मिल जाते हैं DRL। जो लाइट है वो आपको मिल जाती है प्रोजेक्टर की। और भाई, यहाँ पर जो है आप प्लेस कर सकते हैं बाइक का नंबर प्लेट, जो कि इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही तगड़ी रहने वाली है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी LED की। ये भाई हीट ज़्यादा करता है, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भाई फ्रंट मिड गार्ड है, थोड़ा सा गंदा है भाई, वो आप इग्नोर करना, क्योंकि भाई रोड है तो भाई छिट्टा उट्टा, तो बरसात का महीना है तो गंदा होता रहता है। तो भाई, जो मिड गार्ड है वो आपको मिल जाएगा वाइट कलर का। और आगे भाई आपको मिल जाएंगे अप साइड डाउन सस्पेंशन, जो कि भाई इनकी जो क्वालिटी है वो आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। जो भाई बोल्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे LNK के। जो कैलिपर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे बाइबरे ब्रांड के। फ्रंट में आपको मिल जाएगी 282mm की डिस्क ब्रेक। और भाई, जो क्वालिटी है सस्पेंशन की, जो मोटाई है, वाइडनेस है, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है। आगे जो भाई आपको मिल जाते हैं एलॉय व्हील्स, जो कि भाई आपको ऑरेंज कलर के लगने वाले हैं, चाहे ऑरेंज कह लो चाहे रेड कह लो। फ्रंट में आपको टायर मिल जाएगा, प्रोफाइल क्या है तो भाई फ्रंट में आपको टायर मिल जाएगा 180/17 का, जो कि ये टायर्स आपको मिलने वाले हैं ट्यूबलेस। तो भाई, ये टायर ट्यूबलेस है, वो आप देख सकते हैं। और बाइक का जो इंजन है वो आपको मिलेगा 155 सीसी का, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड। और भाई, ये इंजन आपको 6 गियर के साथ मिलता है। बाइक का जो माइलेज है वो आपको लगभग मिल जाएगा भगाने पर 35 के आसपास का। बाकी भाई निकालना चाहोगे माइलेज, तो आपको 50 का माइलेज तो आराम से दे देती है। बाकी जो है भाई, जो बाइक का इंजन काउल है वो कंपनी ने काफ़ी बड़ा दे रखा है। जो रेडिएटर है वो आपको नॉन पेंटेड मिलेगा, तो भाई थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, रस्टिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है। केमिकल से मत धुलना, न शैम्पू का यूज़ करना, भाई बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं। बाकी जो है, यहाँ पर आपको मिल जाता है ये कवर रेडिएटर का। भाई, यहाँ पे आपको मिल जाती है ब्रांडिंग MT की। ये जो है भाई, सारा का सारा जो पार्ट है वो प्लास्टिक का रहने वाला है। जो भाई इंजन है, जो पार्ट मिड का है, वो कंपनी पेंट करके नहीं देती है। बाकी भाई, यहाँ पर आप ऑयल को डाल सकते हो, ऑयल फिल्टर यहाँ मिल जाएगा, ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी यमहा की। और इसकी भाई जो चेसी है वो आपको बहुत ही मजबूत मिलती है। बाकी जो है भाई, जो पाइप वगैरह है, इनका जो मेंटेनेंस है वो आपको समय समय पर करना चाहिए। जो बाइक का टैंक फ्लैप है, इस पर आपको मिल जाएगी MT-15 की ब्रांडिंग। यमहा का भाई लोगो आपको यहाँ पर मिलेगा, MT का लोगो आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी सॉलिड रहने वाली है। बाकी जो है भाई, यहाँ पे कंपनी आपको ऑफ़र कर देती है बाइक के टैंक ग्रिप्स। जो टैंक का कलर है वो आपको मिलेगा वाइट कलर का, जो कि मैट वाइट रहने वाला है। ऊपर के साइड आए तो यहाँ पर आपको मिल जाती है ब्रांडिंग MT की, यहाँ पर आपको मिल जाएगी ब्रांडिंग E20 की। और बाइक का जो फ्यूल कैप है वो राउंड शेप में रहने वाला है। और इसकी जो चाबी है वो इंसर्ट होती है बाइक के टैंक पे,
और बाइक की जो चाबी है वो आपको दो नॉर्मल सी की देखने को मिल जाएगी। तो इसमें जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा यमहा का लोगो, इधर भी आपको मिल जाएगा यमहा का लोगो, बाकी जो की स्लॉट है तो वो तो इधर ही रहेगा। बाइक का जो मीटर है वो आपको मिल जाता है नेगेटिव डिस्प्ले के साथ, जिसमें कि कंपनी ने कोई भी एक्स्ट्रा फीचर नहीं दिए हैं। और इसकी जो स्विचेस है यहाँ पर आपको मिल जाता है इंजन किल स्विच ऑन ऑफ का बटन, बाकी जो है भाई जो थ्रॉटल वगैरह है वो आपको पुराना ही मिलेगा। जो ब्रेक के क्लच के लीवर्स हैं और जो ब्रेक के लीवर्स हैं ये आपको मिलेंगे नॉन एडजस्टेबल। बाकी जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा हॉर्न, इंडिकेटर, पास, और इसका जो पास है और अपर डिपर है वो दोनों एक में रहने वाला है। स्विचेस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, बाकी जो बाइक का हैंडल बार है वो आपको मिल जाएगा सिंगल पीस में। और इधर से देखें तो जो बाइक का इंजन है वो कुछ ऐसा मिलने वाला है। और इधर से जो है इसका जो स्पीड सेंसर है वो आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि ओल्ड वाले में ये यहाँ पर नहीं था, तो अब कंपनी ने इसको रिवर्स वाले टायर में दे दिया है। बाकी जो है बाइक में आपको मिल जाता है सिंगल स्टैंड, साथ ही कंपनी आपको ऑफर कर देती है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच का फीचर। बाकी जो गियर लीवर है वो आपको मिल जाएगा इधर, और इसके बाद जो फुट पेजेस हैं राइडर के और पिलियन के ये दोनों आपको मिलने वाले हैं फोल्डेबल। और ये जो ब्रैकेट है पहले ये आता था लोहे का चेसी में वेल्ड, लेकिन अब ये आपको मिल जाता है एलुमिनियम का। बाकी जो है भाई पीछे आपको मिल जाता है मोनोशॉक, जो कि एडजस्टेबल नहीं है। और इसके जो स्विंग आर्म्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं एलुमिनियम के, पहले ये जो है लोहे के आते थे और ये बॉक्सी शेप में थे, लेकिन अब इसमें आपको V4 वाला ही स्विंग आर्म कंपनी दे देती है। इसकी जो चेन कवर है वो खुले हुए हैं। बाकी जो है पीछे आपको मिल जाता है V4 से बड़ा चेन पॉकेट, जिससे कि आपको टॉर्क आउटपुट ज़्यादा मिल जाए। पीछे जो है इसमें आपको कोई भी लेडीज फुटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन आप लगा सकते हो, एक्सेसरी वगैरह आती है। और इसका जो साड़ी गार्ड वगैरह वो तो रहने ही वाला है, और बाइक का जो हगर गार्ड है वो कुछ ऐसा लगने वाला है, जो कि काफ़ी छोटे साइज का है। पीछे भी आपको मिल जाती है डिस्क ब्रेक, सिंगल पोर्ट ब्रेक कैलिपर। एग्जॉस्ट का जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा लगने वाला है, जो कि काफ़ी रोबोटिक रहने वाला है। और जो पीछे का टायर है उसकी जो प्रोफाइल है वो आपको मिल जाएगी 140/70R17 की, और ये टायर्स ट्यूबलेस रहने वाले हैं। बाकी जो बाइक का टेल टाइडी है वो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, जो कि काफ़ी बड़े साइज का रहेगा। साइड में आपको मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर्स, बाकी जो है यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे रिफ्लेक्टर्स। और जो बाइक की टेल लाइट है वो आपको मिलेगी कुछ ऐसी, जो कि काफ़ी बड़ी सी रहने वाली है। ग्रैब रेल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बड़े हैं। और अगर सीट को देखें तो सीट आपको काफ़ी छोटी मिलने वाली है। बाकी जो है कंपनी आपको कुछ यहाँ पर नया सेंसर वगैरह दे देती है, तो ये वो चीज़ है जो कि इसमें आपको ये नया फीचर देखने को मिल जाता है। बाइक में जो एरर होगा वो कंसोल में आपको यहाँ पर एरर कोड शो कर देगा। तो ये सारी चीज़ें कंपनी ने इस बाइक में नई दी थी। बाकी जो है ये बाइक पूरी पुरानी रहने वाली है। अगर भाई आपको ये बाइक परचेज़ करनी है तो आप शोरूम पे कॉल वगैरह कर सकते हैं। बाकी यार भाई जो वीडियो है लाइक कर देना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।